अब सर बताइए, बाय या सेल? आई थिंक बाय बाय बिल्कुल। और स्टॉक जो मैंने चुना है वो है एसबीआई लाइफ, ट्रेड करा है 1462 पर एसबीआई लाइफ। मेरे ख्याल से 1480 फर्स्ट चार्ट टारगेट, सेंस करीब फिर 1600 भी 1500 भी जा सकता है। स्टॉप होगा 1450 एसबीआई लाइफ। ओके, तो एसबीआई लाइफ में एक मौका आपके लिए तेजी का। रचना जी, आपका ट्रेड बीटीएसटी में? जी मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी लॉन्ग इन द फ्यूचर्स ऑफ टीसीएस। टीसीएस में आज के दिन में तो अच्छी मूवमेंट आई है। मेरा ये मानना है कि देयर आर ऑल चांसेस कि ये चीज कल के दिन में कंटिन्यू हो, और यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से 4146 का लेवल है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर हम 4130 के ऊपर क्लोजिंग तक अपने आप को संभाल लेते हैं तो हम कल के दिन में 4200 एंड इवन 4220 के नंबर्स फ्यूचर्स पे टीसीएस पे देख सकते हैं। ओके, टीसीएस फ्यूचर्स 4147 पे प्लस है कल के लिए बीटीएसटी ट्रेड। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरू जी, इपका लैब का जो ब्रेकआउट आया काफी अच्छा लग रहा है मुझे, और ऑलमोस्ट 1190-95 के जोन में ट्रेड कर रहे हैं, तो 1175 स्टॉप लॉस रखेंगे और यहां से टारगेट रखेंगे कम से कम 1265 का। सा ये हो गई प्रशांत जी के पिक। मानस, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? एससीएल टेक में खरीदारी करके जाएंगे, एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है, तो इसके फ्यूचर में आप खरीदारी कर सकते हैं। 16 लगाना है और 1665 तक के टारगेट्स आपको एससीएल टेक के फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, 1630 का कॉल ऑप्शन जो 38 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 60 रुपए के टारगेट से खरीदिए। चलिए, तो ये इस समय मानस के पिक।